हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रिया शर्मा और स्वागत है आपका हमारे नव भारती परिवार में। मैं पढ़ा रही हूँ केमिस्ट्री और आज जो लेक्चर है वो लेक्चर 7 है। हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज हम उसको थोड़ा सा आगे करते हुए हम पढ़ेंगे राउट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। तो क्या है इसके अंदर, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो हमारा एज अ स्पेशल केस ऑफ अ हेनरीज लॉ, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अगर हम बात करें, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, उसके अंदर हमारा क्या निकल के आया था लास्ट फॉर्मूला एज एन राउट्स लॉ, क्या निकल के आया था लास्ट फॉर्मूला? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, या मैं बोलूं पार्शियल प्रेशर ऑफ वन इज इक्वल टू पी नॉट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वन। ये हमारा जो है निकल के आया था एक्सप्रेशन। वन की जगह मैं ए भी लिख सकती हूँ, सॉल्यूशन के बस नेम है, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वन इज इक्वल टू पी नॉट वन एक्स वन, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ वन, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आया था राउट्स लॉ से। ये एक्सप्रेशन किसका है? राउट्स लॉ का। तो देखिए क्या कहा गया बेसिकली, कि अगर हम किसी एक ऐसे सॉल्यूशन की बात करें जो कि कैसा सॉल्यूशन है, गैस इन लिक्विड। अब अगर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन है तो हम मान सकते हैं कि इसके अंदर कोई एक ऐसा कंपोनेंट है, यानी जो वो सॉल्यूट होगा वो ऐसा होगा कि वो इतना वोलेटाइल है कि वो कैसे है, गैस है, वो गैस है इन लिक्विड। तो उस फॉर्म में राउट्स लॉ की अगर एक्सप्रेशन लिखें तो जनरली हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हमारी जो हेनरी लॉ की एक्सप्रेशन है वो क्या होती है, ठीक है। हेनरी लॉ की एक्सप्रेशन क्या होती है प्रेशर की, अगर पार्शियल प्रेशर की बात करूं, कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू के एच एक्स, ये एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन, ये हमारा निकल के आता है, ठीक है। और अगर मैं किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करूं तो मैं यहां पर भी वन वन लगा सकती हूं, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आता है एक्सप्रेशन किसके लिए, हेनरीज लॉ के लिए। कहा क्या क्या है, सिर्फ इतना कहा गया है कि राउट्स लॉ और हेनरी लॉ को आप कंपेयर, अगर मैं यहां पर करती हूं इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंपेयर करूं तो आप क्या देखोगे, जनरली क्या निकल के आ रही है बात, कि रियलिटी में जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए आप अगर इन दोनों में अंतर देखें तो सिर्फ एक तो पी नॉट का आ रहा अंतर और एक आ रहा है हेनरी कांस्टेंट का अंतर। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि जो ये हेनरी कांस्टेंट है वो इज इक्वल टू है यहां पर इसके पी नॉट के, ये हम पता लगा सकते हैं। और बाकी चीजें बिल्कुल सिमिलर हैं, बाकी चीजें बिल्कुल सिमिलर है, जिससे हमें ये पता चलता है कि पी वन इज इक्वल टू एक्स वन, यानी पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू इसके है मोल फ्रैक्शन के। तो इन दोनों चीजों का अगर अपन कंपैरिजन करें तो हमें ये चीज निकल के आ रही है। और साथ ही इसकी बात करें तो हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि के एच यानी हेनरी कांस्टेंट इज इक्वल टू पी नॉट वन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। देखिए मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि सारे के सारे सॉलिड लिक्विड में अच्छी तरीके से डिजॉल्व हो ये जरूरी नहीं है। मैं बात करूं NaCl की, यानी सॉल्ट की, मैं बात करूं यहां पर शुगर की, ये जो दोनों की दोनों सब्सटेंस है ये सॉल्युबल है किसमें, आराम से वाटर में, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, आयोडीन एंड सल्फर की, तो ये किसमें डिजॉल्व होते हैं, CS2 में, यानी कार्बन डाइसल्फाइड में, ठीक है।
डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉलिड या नेचर ऑफ सब्सटेंस के वो किसमें डिजोल्व होंगे। ये मैं आपको बहुत पहले जब लेक्चर मैंने स्टार्ट किया तब मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो देखिए, अगर हमें पढ़ना है सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन, तो इसका मैं एक अच्छा सा एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ। ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलिए देखिए, मैंने यहां पर एक बीकर ले लिया है, ठीक है। अब इस बीकर के अंदर यहां पर, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कंटेनर बंद होगा, ये डायग्राम बंद है। इसके अंदर ओनली क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। ये तो पता है ना, यहां पर जो सॉलिड होगा वो सॉल्यूट होगा, और जो कि इसको हमने क्या माना है, नॉन वॉलेटाइल। क्या माना है? नॉन वॉलेटाइल, जनरली नॉन वॉलेटाइल हमने इसको माना है, इसको सॉलिड को। और लिक्विड को हमने क्या माना है, वॉलेटाइल, जो कि आराम से क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या है, यहां पर सॉल्वेंट है। तो मैंने मान लिया कि इस केस में ओनली लिक्विड है, यहां पर सिर्फ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस पे, और भी जगह पे होंगे, और इसी के कारण जो है वेपर प्रेशर बन रहा है, ठीक है। और क्या है, प्योर सॉल्वेंट यानी लिक्विड है, और लिक्विड क्या है, वॉलेटाइल नेचर का। बात समझ में आ गई। प्योर जो है पूरा का पूरा लिक्विड के थ्रू ही वेपर प्रेशर आ रहा है, वन टाइप ऑफ लिक्विड के थ्रू, तो इसलिए मैंने पी नॉट बोल दिया है। अब देखिए दूसरा डायग्राम, मैं यहां पर जो वेपर प्रेशर है ना, इसको मैं ऐसे नहीं दिखा के, मैं ये दिखा देती हूं कि कितने मॉलिक्यूल वेपराइज हो गए हैं, ठीक है। ये पूरे कितने मॉलिक्यूल्स वेपराइज हो गए हैं, ठीक है, इस फॉर्म में दिखा देती हूँ। ये वेपराइज मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, लिक्विड के। अब इसके अंदर दूसरे वाले डायग्राम में मैंने क्या किया, एक मोल ऑफ सॉल्यूट मिला दिया यानी नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस, और एक मोल ऑफ सॉल्वेंट मिला दिया यानी वॉलेटाइल सब्सटेंस, ठीक है। यानी लिक्विड और सॉलिड मैंने इसके अंदर कुछ मिला दिया है। अब देखिए यहां पर सरफेस पे सॉल्यूट भी होगा, सॉल्यूट को मैं पूरा एकदम ऐसे भर रही हूं, और सॉल्वेंट भी होगा, सॉल्यूट भी होगा, सॉल्वेंट भी होगा। देखिए, ठीक है, मैंने यहां पर मैं दिखा देती हूं, मैंने इसको तो माना है सॉल्यूट और होल को माना है सॉल्वेंट, ताकि आपको अंतर पता चल जाए, ठीक है। ये कंडीशन भी, मैंने इसके अंदर वन मोल ऑफ सॉल्यूट डाल दिया, वन मोल ऑफ सॉल्वेंट डाल दिया, और अब क्या हो रहा है, आपको पता है कि जो सॉल्यूट है वो तो हमने क्या कंसिडर किया है, नॉन वॉलेटाइल, यानी वेपराइज हो नहीं सकता, ठीक है। तो क्या होगा, पूरे की पूरी जिम्मेदारी किसकी है, वेपराइज होने की, वेपर प्रेशर क्रिएट करने की, सॉल्वेंट की यानी वॉलेटाइल सब्सटेंस की। तो क्या होगा यहां पर, के इसके कंपैरिजन में यहां पर मॉलिक्यूल्स जो वेपराइज होंगे लिक्विड के, सॉल्वेंट के, वो कितने होंगे, कम होंगे। देखो ये बात तो तय है कि जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा ओनली सॉल्वेंट के थ्रू होगा, ठीक है। अब मैं यहां पर ये चीज मान लेती हूं कि जो सॉल्वेंट है उसके थ्रू जो प्रेशर क्रिएट होता है उसे हम बोल देते हैं पी वन, ठीक है। ये चीज मैं आपको बताऊंगी आगे। अभी आप ये देखो कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के थ्रू ही वेपर प्रेशर क्रिएट हुआ है, और मॉलिक्यूल्स जो है वेपराइज हुए हैं वो कम है। डायग्राम वन से जो वेपराइज हुआ है मॉलिक्यूल्स, टू के कम है, यहां पर टू के कम है, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप एक चीज देखो, यहां पर तो सरफेस में सिर्फ कौन से मॉलिक्यूल थे, प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थे, और वो आराम से जो है वेपराइज हो गए। लेकिन यहां पर जो सरफेस है वहां पर देखो सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल है, सॉल्वेंट के भी, सॉल्यूट के भी, सॉल्वेंट के भी, सॉल्यूट के भी, और सॉल्वेंट के भी। और आपको पता है जो वेपर प्रेशर होता है वो सरफेस जो है फिनोमिना है, मतलब सरफेस पे जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेपराइज होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो आप देखो कि अपने आप यहां पर आप देखोगे कि जो सॉल्वेंट है उसका फ्रैक्शन, उसकी क्वांटिटी कम हो गई है सरफेस पे, कम हो गई है। तो जब मोल फ्रैक्शन यानी जब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कम हो गया तो ऑब्वियस सी बात है वेपर प्रेशर भी कम होगा। बात समझ में आ रही है कि भाई सरफेस पे मोल फ्रैक्शन यानी मैं बात करूं जो क्वांटिटी है सॉल्वेंट की या फ्रैक्शन है सॉल्वेंट का वो कम हुआ है, आप देख सकते हो,
ठीक है, तो इसी कारण से वेपर प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है वो भी कम हो रहा है। ठीक है, और बात सीधी सी है, वेपर प्रेशर कम क्यों हो रहा है ये किस पे डिपेंड करता है कि भाई आपने कितनी क्वांटिटी में सॉल्यूट डाला है या आपने कितनी क्वांटिटी में नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस डाला है जिसके कारण वेपर प्रेशर कम क्रिएट हो रहा है। मैं ये दो बातें आपको समराइज करती हूँ या लिखती हूँ। पहली बात कि जो सॉल्वेंट का है जो वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो क्रिएट हो रहा है ओनली बाय सॉल्वेंट, पहली बात ये है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है कि जो सॉल्वेंट है उसका जो फ्रैक्शन है वो कम है, सॉल्वेंट फ्रैक्शन इज लेस, सो वेपर प्रेशर क्रिएटेड बाय सॉल्वेंट इज लेस। वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस, क्योंकि भाई नॉन जो वेपर प्रेशर है वो कितना ज्यादा होगा या कम होगा वो तो नॉन वॉलेटाइल पे डिपेंड करेगा। हालांकि जो वेपर प्रेशर है वो क्रिएट जो कर रहा है वो सॉल्वेंट ही करेगा, वॉलेटाइल सब्सटेंस ही करेगा, लेकिन ज्यादा या कम तो किस पे डिपेंड कर रहा है, नॉन वॉलेटाइल पे, क्योंकि हमने सॉल्यूट जो डाला है उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है कि देखो यहाँ पर तो कोई भी सॉल्यूट नहीं था, आराम से वेपर प्रेशर हो रहा था, क्रिएट हो रहा था, अब यहाँ पर जैसे ही मैंने सॉल्यूट डाला या फिर जैसे ही मैंने नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस डाला तो देख लो आप जो मॉलिक्यूल वेपराइज हुए हैं वो कम हुए हैं। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो देखिए चलिए एक बार मैं इसका एक्सप्रेशन भी आपको निकाल के दिखाती हूं। लेट अस कंसीडर, बाइनरी सॉल्यूशन क्या माना मैंने कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ टू, मैंने यहां पर टोटली ये मान लिया है बाइनरी सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन वन है एंड दूसरा टू है। ठीक है ना, इसको मैंने वन को मान लिया सॉल्वेंट, टू को मान लिया सॉल्यूट, और आपको पता है सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है, सॉल्वेंट जो है वॉलेटाइल है, दो सॉल्यूशन है। पी वन मैंने मान लिया यहां पर क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट का, क्योंकि जो वेपर प्रेशर आएगा वो टोटली किसके कारण आएगा, सॉल्वेंट के कारण, तो ये डायरेक्टली प्रपोर्शनल हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यानी एक्स वन के, और इसका अगर मैं प्रपोर्शनल साइन हटाऊं तो ये आ जाएगा पी नॉट वन एक्स वन। ये फाइनल हमारा एक्सप्रेशन आ गया कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल या फिर इक्वल टू पी नॉट वन और मोल फ्रैक्शन ऑफ वन। अगर मैं बात करूं ग्राफ की किसके किसके बीच, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट तो क्या आएगा, डायरेक्टली प्रपोर्शनल। ये दोनों के बीच का ग्राफ हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये दोनों के बीच का ग्राफ हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो आई होप ये पूरा कंप्लीट हो रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन, आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो देखिए अगर बात करें आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तो ये तीन चार पॉइंट्स पे डिपेंड करते हैं। अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो जो भी सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा उसे हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा उसे हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन, और जो फॉलो नहीं करेगा उसे बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा डिपेंड करता है डेल्टा वी मिक्सिंग, मतलब वॉल्यूम। जब हम दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे ठीक है, तो जो मिक्सिंग के बाद जो वॉल्यूम होगा उस पर डिपेंड करेगा। तीसरा डिपेंड करेगा डेल्टा एच मिक्सिंग, मतलब जो हीट होगा उस पर डिपेंड करेगा, जो चेंज ऑफ हीट होगा उस पर डिपेंड करेगा ठीक है। और फोर्थ जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा इंट्रैक्शन पे, जिसे मैं बोल सकती हूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंट्रैक्शन।
ठीक है, किसके किसके बीच में, सॉल्यूट सॉल्यूट, जिसे मैं ए ए बोल सकती हूं, ठीक है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो इन सब पे डिपेंड करेगा आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ वन बाय वन, पहला मैं स्टार्ट कर रही हूँ आइडियल सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए डायग्राम की हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ। मैंने यहां पर एक बीकर लिया, ठीक है, ये क्लोज कंटेनर है। यहां पर मैंने जो पूरा जो मेरा सॉल्यूशन है वो ए टाइप का है। कैसा है, ए टाइप का, ठीक है, प्योर सॉल्यूशन, ठीक है, मैं इसे मान लेती हूं ए, प्योर ए। यहां पर जो मेरा है, यहां पर जो मैंने लिया वो बी टाइप का सॉल्यूशन लिया, प्योर बी, ठीक है। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो क्या बन के आएगा, ए बी ए बी, ठीक है, ए और बी का मिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिक्स ए एंड बी सॉल्यूशन। अब देखिए मैंने आपको बताया कि आइडियल सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करता है। पहला डिपेंड करता है कि ये राउट्स लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता। देखिए जो आइडियल सॉल्यूशन होता है वो फॉलो करता है किसको, राउट्स लॉ को, ठीक है, राउट्स लॉ को फॉलो करेगा। दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो डेल्टा वी मिक्सिंग होगा, यानी जो वॉल्यूम होगा आफ्टर एडिंग वॉल्यूम फर्स्ट प्लस वॉल्यूम टू, ये क्या निकल गया, निकल गया वी फाइनल। तो जो ये वी मिक्स होगा, मतलब चेंज ऑफ मिक्सिंग, मतलब इसको और मतलब प्योर ए एंड प्योर बी को मिक्स करने के बाद जो वॉल्यूम आ रहा है वो वॉल्यूम जो क्या आएगा वो इक्वल टू जीरो आना चाहिए। डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। अब डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ कि फाइनल वॉल्यूम में से अगर मैं माइनस करूं क्या वॉल्यूम फर्स्ट प्लस वॉल्यूम टू, तो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम में से अगर हम माइनस करें वॉल्यूम फर्स्ट प्लस इन दोनों का एडिशन, अगर मैं इनमें से फाइनल वॉल्यूम में से माइनस कर दूं तो क्या आना चाहिए, जीरो। तो ये कंडीशन हमारी है आइडियल सॉल्यूशन की, ठीक है। अब मैं तीसरी कंडीशन लिखने जा रही हूं, थोड़ा सा इस वाले डायग्राम को मैं नीचे बना लेती हूं ताकि आपको समझने में इजी रहे। यहां बना रही हूं मैं, ए बी ए बी, ठीक है, ये है वी फाइनल, ठीक। अब थर्ड पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा एच मिक्स, मतलब जो हीट जो निकल रही है, जो हीट मिक्सिंग के बाद जो हीट है वो क्या होनी चाहिए, जीरो। मतलब कि ना तो हीट निकलनी चाहिए ना ही हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए, ठीक है। जब भी कोई मॉलिक्यूल जब बनता है, जब भी कोई मान लीजिए बॉन्ड, अब मैं बात करूं बॉन्ड, अगर बॉन्ड क्रिएट होता है ना तब तो हमें एनर्जी रिलीज होती है, देखिए जब भी बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो हीट जो होती है वो हमें देनी पड़ती है, ठीक है। तो मान लीजिए जब ए मॉलिक्यूल टूटा तो जो हीट थी वो हमने 20 जूल जो है एब्जॉर्ब हुई, 20 जूल एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है। जब ये वाला बॉन्ड टूटा तो 20 जूल इसके अंदर भी 20 जूल जो है हमें हीट देनी पड़ी। लेकिन जब बना तो मान लीजिए कितना बना, जब ये दोनों बॉन्ड बने, जब क्रिएट हुआ बॉन्ड, तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई, 40 जूल, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि 20 प्लस 20 माइनस 40 इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि दोनों की जो हीट है वो इसके बराबर है, दोनों का जो एडिशन है वो इसके बराबर है, यानी डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, मतलब ना ही कोई हीट इवॉल्व हुई है यानी निकली है, ना ही कोई एब्जॉर्ब हुई है। इस कंडीशन को भी हम क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन। अब फोर्थ पोजिशन इंट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, किसकी, इंट्रैक्शन की। तो देखिए आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, ए ए इंट्रैक्शन, बी बी मॉलिक्यूल्स में इंट्रैक्शन और ए और बी में इंट्रैक्शन, ये सब में इक्वल होता है, ये क्या होता है, इक्वल होता है। ए ए इंट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन, बी बी का मतलब हो गया सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, ए बी का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, ठीक है। तो ये क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ए ए में और बी बी में, वो इक्वल होगा, नियरली इक्वल होगा ए बी में,
ठीक है, ए बी के इंटरेक्शन के बराबर होगा इन दोनों का जो इंटरेक्शन है टोटल, मतलब ए ए का अट्रैक्शन और बी बी का अट्रैक्शन, वो इक्वल होगा ए बी के अट्रैक्शन के। ठीक है, तो इसको ये जो सारी चीजें हैं अगर ये चीज फॉलो करती है कोई भी सॉल्यूशन तो हम बोलेंगे उसको आइडियल सॉल्यूशन। इसका अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। वो क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। तो मैं इंटरेक्शन का दोबारा बता देती हूँ, ए ए का इंटरेक्शन यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए ए एंड बी बी इज नियरली इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है आइडियल सॉल्यूशन का। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है वो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करता, राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करता। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। अब इसके अंदर भी दो पॉइंट है, अगर सॉल्यूशन राउट्स लॉ का जो प्रेडिक्टेड वेपर प्रेशर है, राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर प्रेडिक्टेड है बताया गया है, अगर उससे ज्यादा वेपर प्रेशर आता है उस सॉल्यूशन का तो हम उसे बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। हम उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, अगर ज्यादा आता है तो, और अगर राउट्स लॉ के थ्रू बताया गया वेपर प्रेशर से कम अगर आता है वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन का तो उसे हम बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन पहली चीज। अब दूसरी चीज क्या होगी कि डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करें, जो हीट डेल्टा एच मिक्सिंग है वो भी नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। जैसे कि मैं बात करूं, इसको तोड़ने में 20 जूल लगे, इसको तोड़ने में 20 जूल लगे, और इसे बनाने के बाद कितनी रिलीज होती है, 50 जूल ए बी बॉन्ड को, तो अपने आप हो गया ना नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट की बात करूं मैं इंटरेक्शन की, मैं बात करूं इंटरेक्शन की, तो इंटरेक्शन किस किस के बीच में, ए ए बीच में यानी सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में, बी बी के बीच में और ए बी के बीच में, ये इक्वल नहीं होगा। मतलब इंट्रैक्शन यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए ए एंड बी बी इज नॉट इक्वल टू ए बी। ठीक है, अब इसके अंदर भी एक कहानी है, समझिएगा, मैं आपको बताती हूँ। अब इस डायग्राम को मिटा देती हूँ। ठीक है, अगर सपोज करिए ए ए इंट्रैक्शन एंड बी बी इंट्रैक्शन जो है वो ज्यादा है ए बी इंट्रैक्शन से, तो उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन, उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। क्यों बोल रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन, कि देखो अगर ए बी के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है किसके बजाय ए ए और बी बी के, तो आप देखिए कि ए बी में आराम से जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, अब अगर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम है तो जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो आराम से ब्रेक होके वो आराम से वेपर प्रेशर क्रिएट कर लेंगे, जिससे कि डेविएशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इसमें जो वेपर प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, मोर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब अगर वही मैं बात करूं इंट्रैक्शन ऑफ ए ए एंड बी बी इज लेस देन ऑफ ए बी, तो उसे हम बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एबी का वो ज्यादा है और इजीली ब्रेक नहीं हो पाएंगे इसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, और वो आराम से फ्रीली जो है एस्केप नहीं हो पाएंगे और वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाएंगे ज्यादा, तो इसके अंदर जो वेपर प्रेशर होगा वो लेस होगा। तो ये दोनों कंडीशन बनती है पॉजिटिव डेविएशन की और ये बनती है नेगेटिव डेविएशन की। तो चलिए अब मैं बात करती हूं उसके ग्राफ की। अच्छा, इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल हुआ, अगर पॉजिटिव डेविएशन की बात करूं तो मिक्सचर ऑफ इथेनॉल प्लस एसीटोन, एंड नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो इसके अंदर एग्जाम्पल हो जाएगा फिनॉल एंड एनिलीन का। तो चलिए अब मैं आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ बताती हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव डेविएशन का
और ये है नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो जनरली जो ग्राफ आता है पी वन एंड पी टू में वो कैसा आता है, इधर देखिए। जीरो इधर एक्स वन के जीरो और एक्स टू के वन, ये मैंने बताया था ग्राफ है अपना। तो अब देखिए अगर पॉजिटिव डेविएशन होगा तो ग्राफ कैसे आएगा आप देखिएगा। पी वन का ये थोड़ा सा राउंड स्लोप के थ्रू बताए गए डेविएशन से ऊपर होगा, ये देखिए। इसकी बात करूं ये भी ऊपर होगा। अगर पी टोटल की बात करूं, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ऊपर होगा। ये देखिए आप, मैं डार्क कर रही हूं उसको, ठीक है, ये ऊपर होगा डेविएशन क्योंकि ये हाइयर है। इस पोजीशन में बात करूं तो ये लोअर होगा। तो देखिए इसको ऐसे बनाएंगे, लोअर, ये भी लोअर और ये भी पी टोटल भी लोअर। ठीक है, तो इसके अंदर लोअर हो जाएगा और इसके अंदर डेविएशन हायर हो जाएगा। तो आई होप आपको पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन का फर्क समझ में आया हो। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू सो मच।